आफ्टरनून में सारे काम खत्म करके सोचा था कि अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगी, लेकिन गैरेज वाले का फोन आ गया कि दीदी आकर गाड़ी दे जाओ, काफी टाइम से गाड़ी सर्विसिंग नहीं करवाई थी। आते समय मैं ऑटो में आ गई थी, लेकिन ये ऑटो में बैठकर गलती की बहुत झटके लगे, शोल्डर गया मेरा काम से। घर पर आने के बाद पता चला कि लो जी मैं गाड़ी के किचन में ही अपने रूम की चाबी भूल आई हूँ। वापस इतनी धूप में मुझे पैदल पैदल चलना पड़ा, बिकॉज जो है हाईवे से ही ऑटो मिलता है, ऑटो भी जल्दी नहीं मिल रहा था। इतने जतन करने के बाद फाइनली मुझे चाबी मिल गई। घर पर आते ही मैंने सनग्लासेस और अपना स्टोल निकाल कर फेंका साइड में। इवनिंग में जो है हम लोग गाड़ी लेने के लिए चले गए थे बिट्टू के साथ में, और वहां पर खाई मैंने दाबेली और हमारी शुरू हो गई मस्तियां। बता दाबेली खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? हाँ बहन खा लो। खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? हमारा सिपाही जो है ना बहुत जल्दी हथियार डाल देता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था तो मैं चलते चलते ही दाबेली खा रही थी, क्योंकि टाइम कम था और लेट भी हो जाता था आने के लिए। गाड़ी फिट होने के लिए टाइम था, तो इसके वजह से हम लोगों ने वहाँ पर मोमोज ऑर्डर कर लिए। मुझे फ्राई किए हुए पसंद है। मोमोज देखते ही ना मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन गर्म इतने थे और हम लोग को जल्दी ख़त्म करना था। एंड बिट्टू ने लेट ही खाना खाया था तो उसका मन नहीं था, लेकिन उसको टेस्ट तो करवाना था और साथ ही उसको तंग ना करूँ, तो मुझे ऐसा होता है जैसे मेरा दिन ही पूरा नहीं हुआ है। यही था हम लोग का छोटा सा मिनी व्लॉग। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और मिनी व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय।